चलित वर्ष रबि ऋतु धानमंडी आरंभ हो दुई सप्ताह न पूरण टार्गेट सरी आल देखा धानगणा को बंद कर प्रशासन चाषी निज धान को मंडी रखी धान किण मिलर्स आसुना कि प्रशासनिक अधिकारी देखा मिलूनी फल कोरापुट जिलार फापुणी मंडी में खोला आकाश तले शह शह बस्ता धान पड़ रही लघुचाप जनित वर्षा धान तेती गजा हो गला जहाक नहीं असंतोष चाषी जिला जोगाण अधिकारी कार्यालय घेरवा शीघ्र धान न उठिले राजरास्ता को ओह्ल आंदोलन करेंगे चेतावनी चाषी जयपुर देखा एक विशेष रिपोर्ट जयपुर ब्लॉक फांपुणी मंडी में खुला आकाश तले पड़ रही शह शह बस्ता धान धान किणारे विलंब कारण मंडी उठुन चाषी धान मंडी ना उचित व्यवस्था लघुचाप जनित वर्षा शह शह बस्ता धान तीति एवं गजा हो गला मंडी में 45,000 क्विंटाल धान क्रय धार्य रही वर्तमान सुधा मात्र 15,000 क्विंटाल धान किणा सरी अनेक चाषी 30,000 क्विंटाल ऊर्ध धान उठी पारे मे 28 तारीख रु रबि ऋतु मंडी आरंभ होते क्योंकि चाषी को टोकन प्रदान में विलंबित आउ कौन टोकन पाई चाषी निज धान मंडी में जमा करते मिलर्स देखा मिलने कि प्रशासनिक अधिकारी आसुना फल चाषी निज धान बिक्री करंचित होती एतिक बेले टार्गेट सरी जाता आल देखा धान कलोनी प्रशासन जिला बाहर मिलर्स को धान उठाइबा को दायित्व मिली मंडी को मिलर्स आसुना कि गाड़ी भी पठाउना धान किणारे अहेतुक विलंब नहीं शेषर चाषी जिला जोगाण अधिकारी कार्यालय घेरव कर चाषी धान शीघ्र उठाइबा और चाषी टोकन समय सीमा जून 30 तारीख पर्यंत वर्धित करने दावी कर दावी पूरण न होले आंदोलन चेतावनी चाषी आज्ञा बर्तमान देखु मंडी टन धान 30 तारीख रु मंडी आरंभ है 30 तारीख रु आरंभ वर्तमान 13 तारीख है प्राय आम 20% धान जाए कल आम शुणा पाइल 30 तारीख में प्राय 20-25 जन लस हो गला जोटा कि से बिक्री करें पुणी कल 1 तारीख पर प्राय 11 रात पर्यटन संघर्ष चलला संघर्ष चलने से कौन स्टक् कर रखीचु कंप्यूटर रखिल आसंता काली कहले 10 सुधा आम आसिक पहुँचू बोली कहले कत पर्यटन आसी ना चाषी को एपरी हंतसंत होती आप तो देखुं धान कि गजा होकर लोक कदर्ज आदाय कर बाद भी आम शुणा पाचु कौन मिलवाला मैंने 30% धान कार्ड देवे आ 70% धान देवाई कहते जहा कि चाषी ही भोग करने को पड़ी चाषी तो कते कदर्ज आदाय करान चाष कर लेबर समस्या रोग पोक समस्या गाड़ी घोड़ा समस्या सब करवा सत्ते धानटा जो घर को आक्री चाषी बहुत हईराण होपणम सरकार को अनुरोध करी जे चाषीपाई कि सहायता करूँ चाषी किसी साय करूँ चाषी भी कहीं चाषी हूँ देशर मेरुदंड किंतु चाषी की सबुबले हईराण कर जाकि चाषी मेरुदंड भांगी गलानी एणिक चाषी चाष करने भी कार आग्रह आसुना तेणु मु सरकार को आपण मध्यम अनुरोध करुचु आम चाषी कूल जदि एपरी हुए आम बाध्यतामूलक राजरास्तार लेवाई प्रस्तुत हलु आज्ञा प्रोब्लम बोले एवं जो निरीह चाषी रेजिस्ट्रेसन करमानकर मोबाइल नंबर मागिंट सीमानकर जोबले टोकन नंबर आसला से मैंने मेसेज पढ़ी जाणी पा ना न जाणी बादे सीमानकर कौन हो 8 दिन कि 10 दिन तक मेसेज टोटाल देखुना हेल्ले मेसेज न देखिकी तर जो धान परचेजिंग डेट आने जाणी पा ना न जाणी केषी लेस एक द्वितीय टेक्निकल प्रोब्लम लगे धान ठीक रूप हो पारना प्रॉब्लम जो परचेजिंग ऊपर जो वेबसाइट जो पोर्टाल अच्छे से पोर्टाल पोर्टाल खोलूना न खोल लगे से मैंने बोले धानटा जी आज 1 तारीख में जी जन जीवा कथा 30 तारीख में जी जी कथा से धान जापर न जीवा लगे चाषी हंतसंत होती अज्ञा सी विषय तो आम जान मात्र टार्गेटा जो कहते आम एटर बर्तमान 15-20% चाषी धान जा 80% चाषी धान अच्छे पखापाखि 20,000 क्विंटाल थी 45,000 है बर्तमान 30,000 क्विंटाल रेब अच्छे हाँ
अधिकांश चाषी जो लेफ्ट साइज टोकन रो जो सीरियल अनुसार जो धानटा जो मंडिक आने बिकिया कथा बिकी पारे से जो लेफ्ट है से चाषी सुइसाइड करने सहित आज किसी पंथ ना कहीं लोन कर लोन सहित कार्ड सार कार्ड बिहन कार्ड पेस्टिसाइड आने तो बाध्य मागे देखते धान अवस्था ये अवस्था पर चाषी राजरास्ता बुलाया बाध्य नचे सुइसाइड करने बाध्य सेपटे चलित मस दुई तारीख फांपुणी थारे मंडी आरंभ होइछि केवल 15% चाषी धान उठी अधिकांश चाषी टोकन थाइ भी निज धान बिक्री कर पारनाहंती टोकन समय सीमा केवल 12 दिन रही धान किणारे प्रशासन विलंब कारण टोकन लैप्स होगा जाऊँगी धार करज कर निज फसल अमल करते भी ठीक समय धान बिक्री कर नाना असुविधार सम्मुखीन होती चाषी शेष में चाषी आत्महत्या करेंगे आउ ए सरकार निजे दायी रही बोली कहते असंतोष चाषी सेपटे धान किणारे विलंब मिलर्स को दायी कर जिला जोगान अधिकारी चलित रबि ऋतु में जयपुर उपखंड 55 मंडी 12,000 चाषी 611,000 क्विंटाल धान क्रय धार्य रही 80% धान किणा सरी अनेक चाषी निजर टोकन समय सीमा को जून 30 तारीख पर्यंत वृद्धि करने दावी कर सरकार निकट को चाषी दावी पठा जा सूचना देखते जिला जोगान अधिकारी प्रदीप कुमार पंडा प्रशासन चाषी तो सर्वनिम्न चाषी तो अशिक्षित चाषी तो बहुत किसी शिक्षा अनुभव करना अच्छा प्रशासन सब बड़े चाषी को हैरान करने चेष्टा चलो देखो गोटे साधारण चाषी धान बिक्री कर अवस्था होनर देखो चाषी बहु कष्ट 6 मास परिश्रम कर धान उपार्जन कर 6 मास पर धान जो बिक्री करने मंडी की आसो मंडी में धान बिक्री हो पार नहीं टार्गेट कौन सरकार टार्गेट तो कर मंडी उत्पादन करंडी कहीं टार्गेट फिलअप करके टार्गेट किणवा कथा से टार्गेट पर मंडी होती से टार्गेट कहीं अल्प दिन में बंद हो जाए प्रशासन दाय ना चाषी दाय आप विचार करूँ चाषी को सबूत प्रशासन मानने सचन परिस्थिति रखुच चाषी सबुद चाषी हूँ मानने अशिक्षित लोक बहुत अशिक्षित अच्छा चाषी शिक्षार अभाव चाषी को तय तला तो सरकार ही करी करना सदा सर्वदा सरकार अनुसरण करले बहुत कष्ट दौरान धान गंजे ना बिक्री करी ना बिक्री करी सदा बड़े लस दूसरे मैं माइनस दूसरी कौन सी जिनस माइनस आसल किणतु मंडिया किणतु कि राशन जिनस किणतु कौन सी जिनस माइनस आसुनी धान कि माइनस देवा पड़ी ताके 40 केजी जगार 50 केजी जगार 49 केजी दौंट आमको 50 केजी जगार 52 केजी दौ तथापि आम धान बिक्री हो पार नहीं किए दायी चाषी दायी ना सरकार दायी सरकार कौन जानू ना सरकार तो चिंता करिया कथा लोन डिक्लेयर करदे लोन देना तो जो कष्ट लोन दौंती माँ गंगे जानते तथापि चाषी को हैरान कर सरकार लगी सरकार आर विहित पदक्षेप नियंतु चाषी ठीक भाव में धान बिक्री करू धान एत कष्ट उपार्जन करने जिनस को आम आज राजरास्ता को ओह्लैक पड़ी आपण मैंने विचार करूँ कल्याण तंत्र जो दावीपत्र तार विभिन्न समस्या समाधान मंडी मंडी ठीक समय धान उठा जी गाड़ी दरकार से पहुँचवा यह सब विषय से दावीपत्र टोकन अवधि कमी वृद्धि करे सब दावीपत्र टोकन अवधिटा राज्य सरकार विचाराधीन तर मंडी कमी सुरखुर धान उठा से आम तहसिलदार आम आई दिन की जो कराचित तरह सुपरभिजन कमिटी ताको भी जड़े दिया कमी सुरखुर धान उठ चेषा कराए जमी चाषी मैंने सुरखुर धान देवे समस्या न उठीज जेहेतु आम बलांगीर मिलर मैंने टैग देखते जो बलांगीर टाइप डिस्टा जगार अच्छे बड़े बड़े गाड़ी जा कर किसी विलंब घटी से बलांगीर मिलर मान को कहुए शीघ्र कमी कम करेंगे अधिक गाड़ी जगे का मीट होता है जो अलरेडी आम आर टी ओ को कहुई से बाबर से सठिक पदक्षेप नी जन आम भी आर टी ओ सहित जोजगे अच्छे
ବିହନ କିଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫସଲ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିଥାଏ ଚାଷୀ। ନିଜର ଅମଳ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡିରେ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କିଣିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ବଢୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜୟପୁରରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ। नमस्कार, मुरम ग्राम पंचायत तरफ रज उपलक्षे इरम ग्राम पंचायत समस्त जनसाधारण को अभिनंदन जनाऊँ। रज को समस्त घरे रही पालन करूँ, समस्त कोविड नियम मानि घरे रही रज पालन करूँ।